बहुत सारे कमेंट्स हैं और इन कमेंट्स को शामिल करते हुए आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। एक श्रोता लिखती हैं, मुस्कान हर दर्द को हल्का कर देती है। किसी छोटे से बच्चे की मुस्कान तो वो दवा है जो बीमार को भी खुश कर दे। जिंदगी के रास्ते में किसी अजनबी से दोस्ती के लिए एक मुस्कान काफी है, बशर्ते वो भी मुस्कुराकर आपका उसी लहजे में स्वागत करे। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज है विश्व मुस्कान दिवस। चलिए गानों का सिलसिला शुरू किया जाए। बताइएगा किस फिल्म का है ये गाना और साथ में आपको है मुस्कुराना। ला 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 करारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। ला 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 दो।
दुलका फूल फिल्म का ये गाना था। हमारे सभी श्रोताओं ने पहचाना और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि आज विश्व मुस्कान दिवस है और इसका आइडिया आर्टिस्ट हार्वे बाल को आया था। 1963 में स्माइलिंग फेस बनाने के लिए वो फेमस हुए थे और उनके मन में ये दिवस मनाने का विचार आया था। अक्टूबर के पहले शुक्रवार को वर्ल्ड स्माइल डे मनाया जाता है। 1999 में ये पहली बार मनाया गया था, ये बात उन्होंने लिखी है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि आज सभी के होंठों पर मुस्कान सजी होगी। मुस्कान के बहुत सारे फायदे हैं और जब अक्सर अपना लिखा हुआ जब मुझे याद आता है तो मेरे होंठों पर मुस्कान तैरती रहती है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कभी मुस्कुराते हुए इंसान की जेब में हाथ डालिएगा, हो सकता है कि उसका रुमाल गीला नजर आए। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कोविड काल में मुस्कुराना भुला दिया था, अपनों का साथ छूटा तो बहुत लंबे समय तक मुस्कुराना भूल गए थे। आज भी दर्द दिल में है पर समय के साथ आगे बढ़ना है तो मुस्कुराते चले जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक दिन और इस दिन की याद और इस दिन की बात और इससे जुड़े हुए गाने। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना, आपको फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम है बताना।
लता मंगेशकर की आवाज में हंसते जख्म फिल्म का गाना था, कैफी आजमी के बोल थे और संगीत मदन मोहन का था। हमारे कुछ श्रोताओं ने मजरूह सुल्तानपुरी का नाम लिखा है जो सही जवाब नहीं है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मुस्कुराना पॉजिटिविटी की निशानी है और गीत संगीत भी जो है वो आशावादी भाव लिए होना चाहिए जो हमें ऊर्जा दे और हमें मुस्कुराने की प्रेरणा दे। आकर्षक मुस्कान व्यक्ति के सरल और नरम स्वभाव को दिखाती है। ऐसे लोग बहुत मित्रवत होते हैं, दूसरों से जुड़ने के लिए खुले विचारों वाले होते हैं। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा हंसते जख्म फिल्म के गाने के साथ प्रिया राजवंश को भी बहुत सारे लोगों ने याद किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों में वो पहले वाली बात नहीं रही। कहने में ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है पर जिंदगी की हकीकत तो यही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए आपको बताना है कि ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है और किस फिल्म का है। जो मुस्कुरा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको
छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रही हो। रेखाओं से मात खा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, ये एक कमेंट में ये पंक्तियां हमारे एक श्रोता ने लिखी हैं। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने राजकिरण और शबाना अजमी का नाम लिखा है और ये भी लिखा है कि ये अर्थ फिल्म का गाना है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मैं जब अपनी छत के पेड़ पौधों को देखती हूं तो यूं लगता है कि वो मुस्कुरा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स हैं और मुस्कानों के बारे में उन्होंने अपनी तमाम बातें लिखी हैं। स्माइल डे, सभी सुधी साथियों को इस दिन की शुभकामनाएं। ये जीवन मिलना खुद मुस्कान का एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने अक्सर खिलखिलाते हंसते लोगों के दिलों में गहरे गहरे जख्म देखे हैं और पाए हैं और ये आसान नहीं होता है। कोई कमी, कोई खलिश, किसी अपमान, किसी अन्याय को मन में रखकर मुस्कुराना जीवन है। अपनी जिंदगी में मुस्कुराने की कई वजहें मिली, पर गत वर्ष बीमारी के कठिन समय में बहुत हौसला मिला, प्यार और स्नेह मिला, ईमानदारी से बिना स्वार्थ दूर रहकर भी मदद मिली। शुक्रिया विविध भारती, कई बार आपके गीत मन में जो उदासी होती है उसको दूर कर देते हैं। ऐसा भी वक्त होता है जब मुस्कुराहट भी आह के साथ मिली होती है। ये एक श्रोता का कमेंट है। और अब उन मुस्कानों की बातें जो सबसे ज्यादा उजली और सबसे ज्यादा चमकीली होती हैं। गायक और फिल्म का नाम बताइएगा इस गाने को सुनकर। हंस मेरे यार हंस, भगवान करे तू हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत है जितना ये मुखड़ा तेरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा।
चल लाड़ले है पूरा ये जहां, बन साप डसता है अपना ही नाया यहां, बन साप डसता है अपना ही नाया यहां। हर कोई है बेवफा, है बेवफा, नहीं खूबसूरत है जितना ये मुखड़ा तेरा, मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, मुस्कुरा लाडले। मन्नाडी की आवाज में ये गाना आपने सुना और सभी लोगों ने पहचाना कि ये जिंदगी फिल्म का गाना है। राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म थी। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना आसान नहीं होता है, पर ये जो मुस्कान है ये मुश्किल को बहुत हद तक कम कर देती है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता अलग अलग गानों की भी बातें कर रहे हैं और जाहिर है कि उनमें से कुछ गाने आज के इस कार्यक्रम में शामिल भी हैं। अब ये गीत आ रहा है एक ऐसे कलाकार का जिसका ताल्लुक आज की तारीख से भी है। पहचानिए कौन है ये कलाकार और किस फिल्म का है ये गाना। मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार। आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, नाना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार।
कहते हैं जानो ना, इतना सा कहना है मानो ना, मानो ना। हाँ माता। हाँ करता हुआ पर संवरता। लहू की दुरंग फिल्म का गाना था, विनोद खन्ना पर फिल्माया गया था ये गाना। और अब कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल की बारी है, तो चलिए हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। भारती से आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में अब आ रहा है दिल टूटने के और उसके साथ ही मुस्कुराने के जज्बात को लिया हुआ गाना। किस फिल्म का है ये गाना और कौन है कलाकार, जल्दी से बताइएगा। Thank you.
भी होगा तारे भी होंगे फूल तमन्नी प्यारे भी होंगे लेकिन हमारा दिल ना लगेगा भीगेगी जब जब रात सुहानी आग लगाएगी रुत मस्तानी तू ही बता कोई कैसे जिएगा टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए हमसे मर जाएंगे हम भी कसम से सुन ले हाथ छुड़ाने से पहले जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी दिन दिल भर मेरे सोच समझ ले जाने से पहले टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा येसुदास की आवाज में दादा फिल्म का गाना आपने सुना और इस गाने को फिल्माया गया था विनोद मेहरा पर बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे मुस्कुराएं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे ये हमारी एक श्रोता का कमेंट है क्या आप बता सकते हैं कि ये किस गाने की पंक्तियां हैं और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं गायक का नाम पहचानिएगा मुसुहासी देव मलाई लय मुसुहासी देव जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे है खुशी हम बांट ले तू अपने हमसे तुले हंसी हो गए हम अब तेरे तू हो गई अपनी ही मुसुहासी देव मलाई लय मुसुहासी देव जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी जवा दिल की राहों में जैसे खिलती है गली तेरे होठों पे बसी ऐसी हल्की सी हंसी जवा दिल की राहों में जैसे खिलती है गली तेरे होठों पे बसी ऐसी हल्की सी हंसी फिर क्यों छुप रही हो दिल की बातें तो बताओ गुमसुम सी ना रहो तुम अब जाना मुस्कुराओ हाँ मुसुहासी देव मलय लय मुसुहासी देव जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी मुसुहासी देव मलाई लाए मुसुहासी देव जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी
सुहासी देव मलाई लाए मुसुमु सुहासी देव जरा मुस्कुराते मुस्कुराते जरा मुस्कुराते ऐ खुशी। शान की आवाज में प्यार में कभी कभी फिल्म का ये गाना आपने सुना, विशाल शेखर का संगीत, और ये गाना मुस्कुराते रहने की बात करता है। एक श्रोता लिखती है, मेरी मुस्कान के बारे में मुझे सब कुछ पसंद है, वो हमेशा मेरा साथ निभाती है, भले ही आंसुओं के साथ वो उस द्वंद्व में हार जाती है पर फिर से नई हिम्मत के साथ लौट आती है। वो निस्वार्थ है, सबकी जिंदगी में खुशी के रंग भरना चाहती है, मेरी मुस्कान कुछ ऐसी ही है। और मुसुमुसु हंसी के बारे में हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि भाई ये जो हैं नेपाली भाषा के शब्द हैं, सही बात इन्होंने लिखी है। और इसके अलावा एक बात और पूछी थी, कुछ पंक्तियां थी जो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, इस गाने के बीच की पंक्तियां थी, चूंकि हमारी एक श्रोता ने ये पंक्तियां लिख भेजी थी तो हमने सोचा कि आप ही से पूछा जाए कि ये किस गाने की बीच की पंक्तियां हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने इसका जवाब भी दिया, और यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अनूप घोषाल की आवाज में इस गाने का एक संस्करण बड़ा ही शानदार है। और शान यानी शांतनु मुखर्जी के बारे में तो हमने आपको बताया ही, अब एक बहुत ही प्यारे गाने की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा रुपहले पर्दे पर वो कौन बांके नौजवान हैं जो लहरा के ये गाना गा रहे हैं, और कौन है इस गाने के संगीतकार? ना मुझे देख कर आपका मुस्कुराना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना। मुझे तुम बेगाना कह लो या के दीवाना, मगर ये दीवाना जाने दिल का फसाना बनावट में दिल की हकीकत छुपाना, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना।
एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का ये गाना जॉय मुखर्जी पर फिल्माया गया था। एक समय के बेमिसाल अभिनेता और एक से बढ़कर एक इनकी फिल्में और गाने आए हैं। और अब कुछ श्रोताओं के कमेंट और उसके बाद अगला गाना जो बहुत ही बेमिसाल गाना है। एक श्रोता लिखते हैं कि सच तो यह है कि फूल का दिल भी छलनी है, हंसता चेहरा एक बहाना लगता है। और एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि मंद स्मित और हास्य के मध्य की स्थिति है मुस्कान, हल्की सी हंसी के कलेवर में छिपी मुस्कान की बारीकियां हैं, लेकिन सिर्फ इंसान ही नहीं संसार में जितने जीव हैं वो भी मुस्कुराते हैं और चिढ़ाते हैं। आपकी बेमिसाल नजर का कमाल हो सकता है किसी झाड़ में, किसी मकान की खिड़की में, किसी मशीन में नट बोल्ट में कुछ ऐसा इंगित होता है कि वो मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा गाना जो हमें दूसरों के लिए जीना और मुस्कुराना सिखाता है। आपको ये बताना है कि इस फिल्म की हीरोइन कौन थी और कौन थे इस फिल्म के निर्देशक। मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, प्यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के ऐतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
धड़कन इस फिल्म की हीरोइन थी अनाड़ी। 1959 में आई फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी। ये गाना सुनिए और बताइए किस फिल्म का है ये गाना। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। कुछ समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। को दिन में दिखा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। पतिता फिल्म का ये गीत सभी ने बताया। देवानंद और उषा किरण का नाम भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। और आज का ये कार्यक्रम मुस्कान दिवस पर केंद्रित है और जाहिर है कि ऐसे गाने हैं जो मुस्काने बिखेरते हैं। अब जो गाना आ रहा है ये अंताक्षरियों में जब भी हम ग शब्द पर अटकते हैं तब लोग इस गाने को गाते हैं और यूं गाते हैं कि दूसरी टीम यानी विरोधी टीम भी साथ में गाने लगती है। फिल्म का नाम बताइएगा।
गा गा गाए जा और मुस्कुराए जा जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। गा 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 गाए जा और मुस्कुराए जा जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। जितना खुशी से दिल को लगाना, जितना खुशी से दिल को लगाना, उतना ही गम से रिश्ता निभाना। गाए जा और मुस्कुराए जा जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। गा 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 गाए जा है जो कुछ होके रहेगा। वक्त का दरिया प्यारे बहेगा। होना है जो कुछ होके रहेगा। वक्त का दरिया प्यारे बहेगा। इस जिंदगी में किसके लिए क्या लिखा हुआ है किसने ये जाना। गा 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 गाए जा और मुस्कुराए जा जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। गा 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 गाए जा दुनिया में जीना अपनी अदा से। कोई कहे क्या अपनी भला से। दुनिया में जीना अपनी अदा से। कोई कहे क्या अपनी भला से। आंधी का जोर हो तूफान का शोर हो रुकने का नाम नहीं पड़ते ही जाना। गा 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 गाए जा और मुस्कुराए जा जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। गा 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 गाए जा वो सफर है जिसमें के दोस्ती कितनी भी रात हो देती है रोशनी। ये वो सफर है जिसमें के दोस्ती कितनी भी रात हो देती है रोशनी। इस रोशनी की एक एक किरण से जितने भी चाहे सूरज बनाना। गाए जा और मुस्कुराए जा जब तक ये फुर्सत दे ये जमाना। जितना खुशी से दिल को लगाना, जितना खुशी से दिल को लगाना, उतना ही गम से रिश्ता निभाना। गा 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 गाए जा। प्रोफेसर प्यारेलाल फिल्म का ये गाना था, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने यूनुस खान के संग तय किया। हम तो यही कहेंगे कि बस मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं।